नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। साथियों आज हम लोग देखने वाले साथियों क्वेश्चन नंबर 9 और लेक्चर नंबर साथियों 11 देखने वाले हैं। आइए साथ हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7-10 हूज nth टर्म आर। साथियों आपको पता होगा कि हम साथियों nth टर्म को क्या कहते हैं, जनरल टर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? nth टर्म को साथियों nth टर्म को क्या कहते हैं? जनरल टर्म भी कहते हैं, जनरल टर्म। ठीक है साथियों, आइए साथियों हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। साथियों हमें ए 19 हम यहाँ पे रख ए 9 रखना है, 19 नहीं साथियों, क्या साथियों 9। तो हम ए 9 रखेंगे यहाँ पर साथियों, क्या जाएगा हमारा -1 साथियों, 9 की -1 साथियों, 9 की पावर साथियों 9 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। क्या हो गया? क्यूब। साथियों देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे साथियों, देखिए -1 साथियों यहाँ पे 8 हो जाएगा साथियों, 9 का क्यूब करने साथियों 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है साथियों, क्या करेंगे साथियों देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 81 मल्टीप्लाई बाय 9 साथियों। ठीक है साथियों देखिए 8 मल्टीप्लाई बाय फर साथियों 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 साथियों, 9 से 81 81 को मल्टीप्लाई करें साथियों 9 में क्या जाएगा ये हम देखते हैं साथियों, यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा साथियों। ठीक है अब इनके साथियों क्या है, क्या मल्टीप्लाई है साथियों, क्या है मल्टीप्लाई है। ठीक है साथियों, साथियों प्लस जब भी पावर साथियों इवन होता है तो साथियों ऑलवेज क्या आता है, प्लस आता है। अगर नेगेटिव होता है यहाँ पर साथियों क्या होता है हमारा, नेगेटिव पावर माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है साथियों, साथियों 9 से कितना हो सकते हो 9, नेट रेट साथियों 72 साथियों। ठीक है साथियों हमारा आंसर आ गया 729 साथियों, ये साथियों हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पर साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 साथियों लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट होता है। और साथियों जो भी हमारा लेक्चर पहली बार देख रहा हो चेक करिए, हमने इसकी सारी सीरीज अपलोड की है। तब तक साथियों धन्यवाद।